एक बार राजा के महल में तीन चोर महारानी का मुकुट चुराने गए होते हैं, जहां सिपाही बहुत कड़ी पहरेदारी कर रहे होते हैं। चोर इन्हें अपनी बातों में फंसा कर महारानी का मुकुट लेकर भागने लगता है। यह तीनों चोर भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां इनके सामने एक बड़ा सा पहाड़ आ जाता है। तो दो चोर मिलकर तीसरे चोर को पहाड़ के ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन तीसरा चोर इन दोनों चोर को धोखा देकर महारानी का मुकुट लेकर भागने लगता है। सिपाही घोड़े पर सवार होकर इस चोर का पीछा कर रहे थे, तभी यह चोर पेड़ की झाड़ी पकड़ कर ऊपर से घूम जाता है और सिपाही को घिरा कर उसके घोड़े पर बैठ जाता है। घोड़े को जब पता चलता है उसके ऊपर चोर बैठा है और इस चोर से मुकुट वाला बैग छीनने लगता है। इन दोनों की हाथापाई में बैग एक पेड़ के ऊपर अटक जाता है। इसके नीचे गहरी खाई होती है। ये दोनों एक दूसरे को बैग के पास जाने से रोकने लगते हैं। तभी चोर घोड़े के ऊपर से कूद कर और इस बैग को ले लेता है। तभी पेड़ की डाली टूट जाती है, जिसके बाद घोड़ा और चोर खाई में गिर जाते हैं।